कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नए रोमांचक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके में मैं आपको ECM के बारे में बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं ECM क्या होता है। ECM की फुल फॉर्म पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ECM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक कंट्रोल मैनेजमेंट। जो मतलब ये BS4 गाड़ियाँ आ रही हैं, BS3 की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें एक अलग से ही मैनेजमेंट किया गया है, जिसे हम आमतौर में गाड़ी का दिमाग बोलते हैं। जैसे मेरे पास आपके पास ये देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो ECM के अंदर मतलब क्या क्या होता है, इसके इनसाइड में क्या होता है। मैंने एक्चुअली में खोला नहीं है, इसको देखता हूँ कि खोलने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, बिकॉज मैं ऐसे प्रैक्टिकल रोज करता रहता हूँ। तो आज जैसे देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या और हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखते हैं। चलो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा भी है जो हमारे ECM के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं ये बॉश का है, आप देख रहे हैं, और ये अब यहाँ देख सकते हैं आप मेड इन फ्रांस। यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई इसकी जो फ्रांस में हुई है, और इस पर कुछ कोड्स लिखे हुए हैं आप जैसे देख रहे हैं। तो अब एक्चुअल में हम देखते हैं जो इसके अंदर एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक्चुअल में होता है क्या अंदर। तो मैंने इसके जो पेज थे वो मैंने पेचकस की मदद से लूज़ कर दिए ताकि मैं इजिली इनको खोल सकूँ। तो अब मैं सारे पेज को, ये चार पेज इनको खोल देता हूँ, और जैसे आप देख रहे हैं, और फिर हम इसके अंदर देखते हैं इसमें है क्या क्या और एक्चुअल में क्या है। तो अब हम एक अपने ही जुगाड़ की मतलब पेचकस की मदद से इसको खोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मतलब ये बहुत ही जानदार, मतलब ये एक गाड़ी का माइंड होता है। मतलब ये एक्चुअल में ये बताता है कि गाड़ी को फोर्स होता है कि कौन किस टाइम इग्निशन हुआ, किस टाइम कंबशन हुआ। और जैसे आप इससे देख सकते हैं कि इसके हमने प्लेट योग वाली अप वाली प्लेट खोल दिया, और इसके अंदर आप इस कम्प्लीटली प्लेट को हम ओपन कर देंगे। अब जो जिसमें आप इसके ऑल पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये तीन चीज़ें थी मैंने देखी। जो ये इनर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यही होती है, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है यही होता है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो जैसे आप ये देख रहे हैं, और इसमें पिन होती हैं, इसमें एक में 90 होती है और एक में 40। तो जैसे इस तरह की हमारे जो आगे वाले कपलर होते हैं उसमें जॉइंट होता है ताकि पूरी गाड़ी में कनेक्शन हो सके। और आप जैसे प्लेट्स देख रहे हैं, ये जो ECU मैंने जो मार्केट से खरीदा था, तो मुझे एक्चुअल में जब मैंने नया खरीदा था तो मुझे मार्केट में 32,000 का मिला था। मतलब इस प्लेट की कीमत 32,000 रुपये थी। अब तो ये इसमें कुछ डैमेज हो गया, तो ये ख़राब हो गया है। तो पर जब मैंने इसको न्यू खरीदा था तो ये मुझे 32,000 रुपये का इस प्लेट, मतलब एक्चुअल में कंप्लीट मुझे 32,000 रुपये का इसका रेट मिला था। तो आप जैसे आप देख रहे हैं, और जैसे आप देख रहे हैं, तो मतलब कि इस प्लेट की तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और जब गाड़ी में अगर ये ख़राब होती गाड़ी, जो आप BS3 और BS4 गाड़ियाँ वो कभी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब अगर ये डैमेज हो गया तो मतलब गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। मतलब ये गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है और बहुत ज़रूरी है। तो इसकी आपको हमेशा देखना है कि इसमें कोई फॉल्ट ना हो, बिकॉज इसका फॉल्ट, हल्का सा फॉल्ट होने के बाद इसे कम्प्लीटली चेंज किया जाता है, इसे रिपेयर नहीं कर सकते हम। इसलिए मैं कह रहा था अपनी गाड़ी में इसकी सावधानी ज़रूर रखना। तो आप देख रहे हैं इसे, और ठीक है, और देख, तो इसमें ये एक्चुअल में जो मैंने अपना ECU और ECM दोनों एक ही होते हैं, तो मैंने इसको एक्चुअल में खोल के आपको दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, और इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी एंड कमेंट मी अबाउट दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।